दौड़ने से क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या दौड़ने हमारे लिए कैसे लाभदायक है। दौड़ना या एक्सरसाइज करना, जैसे आप सबको पता है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि हमारा ब्लड फ्लो मेंटेन रहता है, हमारी बॉडी रेगुलेशन पावर अच्छी रहती है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। इसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी। मैं आपको 6 बेनिफिट्स बताऊंगी जिसके कारण हमें रनिंग अपनी लाइफ और अपने लाइफस्टाइल में ऐड करना चाहिए। हमारी पहला है कि रनिंग से सबसे ज्यादा हम हेल्दी महसूस करते हैं और खुश रहते हैं। एक स्ट्रेस इंसान रनिंग और एक्सरसाइज करके अपने मूड स्विंग को कंट्रोल कर सकता है। वो ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है, पॉजिटिव वाइब्स उसके पास ज्यादा आती हैं। तो हमारे उसके स्ट्रेस बूस्टर की तरह रनिंग और एक्सरसाइजेस काम करती है। तो रनिंग उन ऐसे पेशेंट्स के लिए या ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है अपने अपनी डिजीज को खुद ट्रीट करने के लिए। दूसरा है, रनिंग से हमारा कैंसर होने की रिस्क कम हो जाता है। एज अ डॉक्टर मैं ये तो नहीं कहूंगी कि रनिंग जो है वो कैंसर को ट्रीट कर देता है, बट कभी कभी रनिंग जो है हमारी, जैसे कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, तो हमारी इम्यूनिटी पावर इंक्रीज करता है, हमारा ब्रेन का फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे हमारे कैंसर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जो कि हमें, हमारी बॉडी हमें खुद ही एक प्रोटेक्शन फील कराती है, जिससे कि हम कैंसर के एजेंट से लड़ सकते हैं और हम अपनी बॉडी को कैंसर होने से बचा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, रनिंग से हमारी बोन्स और हमारी नीज काम अच्छे से करते हैं और वो ज्यादा स्ट्रेंथ उनको मिलती है। वैसे तो जैसी मिथ थी, एक कहावत होती है कि ज्यादा दौड़ोगे तो पैर खराब हो जाएंगे, ये एक बहुत गलत है, एक बहुत गलत सोच है। ऐसा कुछ नहीं होता, जितने ज्यादा दौड़ेंगे उतनी ज्यादा हमारी बोन्स स्ट्रेंथ, उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, उतनी ज्यादा वो कैल्शियम एब्जॉर्ब करेगी, उतना ज्यादा ब्लड फ्लो होगा, उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रेंथ मिलेगी उनको और उनके लिए बेनिफिट होगा। तो जितनी ज्यादा रनिंग और एक्सरसाइज हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करेंगे, हमें जॉइंट्स और नीज की प्रॉब्लम से उतनी ही ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है हमारा कि रनिंग से हम